Good morning, guys. It's 4:46 in the morning. और आज हम जा रहे हैं नेपाल. हमारा आज का जो पहला स्टॉपेज है वो होगा पोखरा. पोखरा इज अराउंड 550 किलोमीटर्स फ्रॉम माय प्लेस. हम ट्राई करेंगे आज वो स्ट्रेच को ख़त्म करें. बाकी लाइक लास्ट टाइम इस बार भी बाइक कुछ ज़्यादा लाइट हुआ नहीं है. लाइक आई हैव ऑलमोस्ट कैरिड एवरीथिंग विथ मी. So I'm ready. Hope you guys are also ready. This is the trip that I've been longing for years. So finally it's getting fulfilled. So stay tuned. बाकी बातें रास्ते में करते हैं. So हमारा पहला जो stoppage है वो होगा सिलीगुड़ी. I guess you guys must पहले कुछ नहीं दिखाई दे रहा था होगा, अभी दिख रहा है. हाँ, so हमारा पहला जो stoppage है वो है सिलीगुड़ी. और सिलीगुड़ी से मेरे साथ जाएगा हमारा गोरखा बाइकर, जो पिछले बार मेरे साथ लद्दाख में साथ था मेरे साथ. तो वो चल रहा है मेरे साथ इस बार भी ऑन माय नेपाल ट्रिप. बाकी आई एम रियली सॉरी, आई हैव बीन सेइंग कि मैं ट्रिप में जाऊंगा, ट्रिप में जाऊंगा, ट्रिप में जाऊंगा, जा नहीं पा रहा था. दैट्स बिकॉज इस बार का जो बारिश, रेनी सीजन है, वो काफ़ी लंबी चली. और मोर ओवर जो मुस्तांग है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था इस बार कि मुस्तांग जाऊंगा, तो मुस्तांग जो है अपने उस समय रेनी सीज़न में, अब पीक रेनी सीज़न में बहुत ही ख़राब रहता है उसका रास्ता. सारे रास्ते एक तो कच्चे हैं और बारिश में बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है. So it's 7:19 और we are about to enter Siliguri. हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया. So first we'll catch up with the other rider. एक बार मिल लेते हैं तो फिर कहीं पे रोक के ब्रेकफास्ट कर लेंगे. This easy cruise from Prospect is again proving to be very helpful. You just have to make sure आप जब क्लच दबाते हो तो इसको रोटेट भी एक साथ कीजिएगा, नहीं तो इंजन रेव करते रह जाएगा करते हुए. ओ कहाँ छौ? अन्त निस्केको छैनौ? म कहाँ पुगिसकेँ यहाँ? यो के अरे दार्जिलिङ मलको अगाडि त्यो ठुलो टावर छैन, पाउँदै छु. ल छिटो. फाइनली लेट लतिफा इज हियर. तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज जो है वो काकरभित्ता होगा. काकरभित्ता से हम लोग गाड़ी का जो परमिट है वो बनाएंगे, फिर परमिट लेके फिर हम एंटर करेंगे नेपाल. सो यहाँ से जो है हाईवे स्टार्ट होता है, दी साक, साक हाईवे. आई जस्ट मिनिमलिस्ट ट्रैवलिंग जो होता है वो शायद मेरे डिक्शनरी में नहीं है. So we have reached the border. So the bridge that you see over there connects India to Nepal. Oh, teri, ये तो hard highway हो गया. ये तो hard highway हो गया यार. This looks totally different.
लॉकडाउन में ये भी बहुत बदल गया है। सो दिस इज़ द बॉर्डर, ये इस साइड इंडिया का कस्टम, ये इंडिया के कस्टम दिस साइड। So this is a bridge that connects India to Nepal. ये थोड़ा छोटा है, बाकी उन्होंने बगल में एक बहुत बड़ा सा ब्रिज बना लिया अभी। पहले हम लोग यहाँ से चल के भी जाते थे, लोग आधे लोग चल के जाते हैं। टोटो ऑटो तो अभी आया, दिस इलेक्ट्रिक रिक्शाज ये अभी हाल ही में आया, नहीं तो पहले पैदल चल के जाना पड़ता था लोगों को, या फिर ट्राई रिक्शा। हजुर एन्ट्री गराइ जानु काठमाडौँ। सो यु हेभ टु सो योर भ्याक्सिनेटेड सर्टिफिकेट और अपना आइडी कार्ड। बाकी यहाँ से थोड़ा आगे जाओ तो फिर आपको जो इनका RTO है व्हीकल डिपार्टमेंट से, अभी हमको व्हीकल के लिए परमिट लेना पड़ेगा। सो दिस इज द परमिट जो आपको बनाना पड़ेगा। और RC है और आपका हमने बनाया 10 दिन के लिए। जनरली आपको 10 दिन के लिए नहीं मिलता है, यू गेट फॉर 7 डेज। बट इफ़ यू रिक्वेस्ट कि आपका ट्रिप जो है वो थोड़ा लंबा होने वाला है एंड सेफ्टी के लिए आपको लेना चाहिए, रखना है 3 दिन, तो आप उनको बोल के 10 दिन का करवा सकते हो। एंड पर डे इट्स 150 फॉर द व्हीकल। तो यहाँ से हो गया परमिट। अब दूसरा जो काम है हमारा, वो है सिम निकालना और करेंसी को एक्सचेंज करना। तो जल्दी से सिम निकाल लेंगे, बिकॉज वी नीड टू अपडेट आवर इंस्टाग्राम। वेलकम टू नेपाल। कैश काउंटर तो वहाँ पे है, पैसा साटने त्यहाँ हो। त्यहाँ छ अन्त सिम पनि लिनुपर्छ। कसरी छ हौ तपाईँको एक्सचेन्ज रेट अहिले? हजुर आएन। हजुर आइसी, हजुर हजुर हजारको 1600। तर फेरि नेपाली पैसा साट्दा चाहिँ, नेपाली पैसा आइसी साट्दा चाहिँ सेम त्यही रेट हुन्छ। त्यसो भए 20,000 दिनु नि। थ्याङ्क यू मनी। चलिए अब चलते हैं जाके सिम ले लेते हैं। हाँ कौन से लियो? एनसेल। नेपाल में दुईटा सिम हुँदैछ, एनसेल र नमस्ते। नमस्ते त गभर्नमेन्ट हो। इन्टरनेट कुन चाहिँको राम्रो हुन्छ? ये नेपाल का सिम एनसेल, दे हैव टू कनेक्शन, एक एनसेल, अर्को कुन चाहिँ भन्नुभयो? हजुर एनसेल र एनटीसी। नमस्ते एनटीसी। नमस्ते फुल फर्म चाहिँ त्यस्तो। Welcome to Ncell. Six every day for 7 days, 3 GB. Additional bonus of 3 GB will be time valid for 7 days also. Except net, पंच चलाया था, चेक करिया लोगा, डाटा सेटिंग वाले मिले से ना, मम्मी लाइट यार। हम वो फास्ट है सर तो? हाँ, फास्ट है। दो दिन है। तो धन्यवाद है। अच्छा वाले। अच्छा ना। सुबह यार ना तब अलग करने वाले जाने। जाने हो रहा है। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो है केदारनाथ मंदिर का। फास्ट है। ला हुन्छ धन्यवाद। सो हमारा मनी एक्सचेंज भी हो गया, डन। हमने सिम भी ले लिया, डन। अब बस भूख लग रही है, वो हम खाएंगे थोड़ी देर बाद में।
तो अभी हम लोग सोच रहे हैं लंच जो है वो हम करेंगे बिरता मोर, नहीं तो लंच नहीं सॉरी ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ही नहीं हुआ, 9:30 हो गया, इट्स ऑलरेडी 9:30। सो ब्रेकफास्ट जो है हम लोग सोच रहे हैं बिरता मोर नहीं तो दुलाबाड़ी में करेंगे। सो हमें सिम का जो है वो हमें लिया 420 रुपये, और जो दो नेटवर्क है एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट। सो प्राइवेट जो है उसका डेटा है वो बहुत सही है, तगड़ा है 4G, तो हमने प्राइवेट वाला ऑप्ट किया। प्राइवेट वाला फॉर 7 डेज़ 3 GB पर डे डेटा प्लान और 50 रुपीज़ का रिचार्ज करके हमें पड़ा नेपाली रुपीज़ 420 रुपीज़। सो बाकी द ओनली थिंग लेफ्ट इज ब्रेकफास्ट, एक बार वो हो जाएगा तो फिर हम लोग फुल फ्लेजेड दौड़ के चलेंगे टुवर्ड्स पोखरा। नो नो जुम नो बाइक है हेरी बस ने क्या नाम है लिम्बुनी तंदूरी एंड मटका हाउस, क्या बात है। लिम्बुनी लिम्बू एक कास्ट है नेपाली में ही। मजा नहीं होने रहता, कतरो खाली रहता की खाना आटे मोमो चाउमिन अरु के हुँदैन खाना हुन्छ त खानै दिनुहोस् न त एउटा भेज दिनुहोस् एउटा चिकन दिनुहोस् न एउटा भेज दिनुहोस् अनि एउटा चिकन दिनुहोस् न दिस इज आवर मिल फर द डे, ब्रेकफास्ट तो मिला नहीं सीधा लन्च। And with this meal, you get a lassi. And I ordered for this chicken. ये चिकन हो? वही? कालो दालो? ये। बंद कर दो। सो लंच इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। सो नेक्स्ट जो स्टॉपेज है हमारा वो होगा इफ पॉसिबल समवेयर नियर पोखरा। दिस साइड ऑफ नेपाल लुक्स क्वाइट सिमिलर टू हमारा एरिया। इन लोग नेपाल के लैंग्वेज में अगर आप बोलो तो इनको कहते हैं तराई रीजन। तो तराई जो है वो काफ़ी हमारे उस साइड के ही जैसा दिखता है। बाकी थोड़े देर बाद चालू होगा नेपाल का ब्यूटी। कसम से लग ही नहीं रहा मैं नेपाल में हूँ, दिस लुक्स लाइक मैं कहीं बिहार साइड आ गया हूँ। नेपालियों का एक भी नामो निशान नहीं है, आधा इंडिया लग रहा है इधर ही शिफ्ट हो गया बिहार साइड। कौन बोलेगा मैं नेपाल में हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं इतना रोड अपना एक रोड ट्रिप पे आया हूँ नेपाल। पिछले बार जब आया था तो फ्लाइट पे आया था, तो इसलिए मुझे पता नहीं था कि इतने इंडियन लोग भरे पड़े हैं यहाँ पे। वेलकम टू कोशी बराज रिवर कोशी। ओ
भाई साहब दिस इज कोशी डैम, यहाँ पे इस साइड डैम है, पानी भर चुका है और इधर नदी बह रही है, ओ फुल फ्लो में। क्यों फोटो ना खींचेगा यहाँ कोशी में? त्यहाँ तो डैम ही है, लुक एट द फ्लो। हाँ गजल डोबा तो गजल डोबा से देखते रहे सर। हमारे वहाँ पे भी तीस्टा एक ब्रिज है जहाँ पे ये एकदम वैसा ही दिखता है। यो यही खोला कोशी खोला है ना, तो बिहार पट्टी पहुँच रहा फ्लड होने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये ही नदी शायद बिहार के तरफ भी जाती है और बिहार के तरफ जाके आतंक मचाती है। अबे ये क्या था, हमें उस तरफ चले गए तो ख़त्म है ज़िंदगी भाई। यहाँ क्या मिल रहा है, फिश, किधर गया भाई अपना? हाँ आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, आई मीन टू बी बॉर्न एट माई होम टाउन, दैट्स बिकॉज वहाँ से मैं भूटान भी जा सकता हूँ पास में है, वहाँ से मैं फिर नेपाल भी जा सकता हूँ पास में है, वहाँ से मैं बांग्लादेश भी जा सकता हूँ पास में, तो तीनों कंट्रीज मैं जा सकता हूँ बहुत ही पास पास में। सो आई बीन टू भूटान, आई बीन टू नेपाल, अब बांग्लादेश एक दिन मारूँगा मैं। 3:21 इन द आफ्टरनून एंड हमने अभी तक कवर कर लिया 2987 किलोमीटर्स फ्रॉम सिलीगुड़ी। अभी पेट्रोल भराने का टाइम आ गया, आई थिंक विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। पेट्रोल है 181 रुपीस। वो 16 अभी और हम पहुँचे हैं की रे जानकी, जगह का नाम की हो? हजार नवलपुर, नवलपुर। अच्छा हम पहुँचे हैं अभी लालबंदी नवलपुर सरलाई, अच्छा जिला सरलाई, और अभी हम रुके हैं यहाँ पे नवलपुर सेकवा कॉर्नर पे, बिकॉज हमें लगी है बहुत ज़ोरों से भूख। हजार अढ़ाई लीटर दे थॉट इट्स अ BMW। All the people of Nawalpur, please subscribe Abhishek Vaman. So, अभी बज गए हैं 5:17 और हमारा स्नैक्स टाइम इज ओवर। सो यहाँ से हितौड़ा जो है वो और 100 किलोमीटर है, विच विल टेक अराउंड 2 hours। हमारा जो पोखरा हॉल्ट करने का जो प्लान था दैट इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ से अभी और भी 7-7.5 hours बता रहा है, सो वो नहीं हो पाएगा। सो आज हमारा स्टे जो है वो हितौड़ा में होने वाला है। आज मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं सुबह बहुत जल्दी उठा था एंड आई एम रियली टायर्ड। सो आज वी विल बी कवरिंग अराउंड 425-30 किलोमीटर्स आज, बाकी जो है वो कल करेंगे। रात हो गई है,
6 o'clock और आज है धनतेरस. सो हैप्पी धनतेरस टू ऑल द व्यूअर्स फर्स्ट ऑफ ऑल. और ये लाइटों की फुलझड़ियाँ मुझे घर की याद दिला दिया. बट क्या करना पड़ता है, काम है अपना यूट्यूब भी. सो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन. सो हमारा जो रूम है वो कुछ ऐसा है. सॉरी लाइट एक ही है. This is a room, twin bed, and there's a sofa. और ये हमारा टेबल, ये छोटा सा कबर्ड दिया है. बाथरूम फिलहाल तो हमारा भाई गया हुआ है. होटल का जो नाम है वो है होटल प्रभु. सो यहाँ से बालकनी भी है इनका. बाहर का व्यू कुछ ऐसा है अभी. सो आज धनतेरस है तो हर जगह लाइट है. द सी वन लाउंज ओवर देयर, जो कि देख के सही लग रहा है. देखते हैं अगर इफ पॉसिबल विल गो देयर. And this is how it is. So वो रास्ते से हम आए थे अभी. होटल इज क्वाइट डिसेंट. पार्किंग फुल है. सो गाड़ी भी आप पार्क कर सकते हो, बाइक भी पार्क कर सकते हो. सो ये हमें पड़ा कुछ अराउंड 1500 रुपीज़ नेपाल का. सो इंडियन रुपीज़ कुछ अराउंड पड़ा हमें 900 समथिंग. सो इट इज़ रियली चीप. चलो ठीक है यार, आप वैसे भी आज सोना ही है. फिर अगेन टुमारो मॉर्निंग वी हैव टू गेट अप अर्ली एंड लीव फॉर पोखरा. तो इसलिए हमने ये रूम ले लिया. सो रूम में भले कॉम्प्रोमाइज़ करें, खाने और पीने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. सो अभी जाएंगे हम अच्छा खाना खाने. आज का ब्लॉग यहीं तक. अंधेरा भी कर दिया उन्होंने, लाइट भी बंद कर दिया हमारे भगाने के लिए. सो आज का ब्लॉग यहीं तक. मैं मिलूंगा आपको अगले ब्लॉग में. टिल देन बाय, सी यू, गुड नाइट.